क्लास ट्वेल्थ का पहला लेक्चर सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा कि लास्ट 30 इयर्स में नीट में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। सारे क्वेश्चन को एक एक करके मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा आपको। आपके नीट का प्रिपरेशन भी यहाँ चलता रहेगा, उसके बाद IIT के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। तो आज जो है स्टार्ट करते हैं नीट के लास्ट 30 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो ये मेरे पास बुक है, इसी बुक से आपको सारे के क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे इधर की तरफ, और इधर की तरफ मैं आपको उसका सबका सलूशन कराता जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन जो है जो सलूशन चैप्टर का आया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि मोलरिटी को अगर हम डबल कर देते हैं तो KF पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो KF होता है या फिर KB होता है, ये दोनों क्या है, ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, दोनों कांस्टेंट के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये दोनों जो कांस्टेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे, कि कौन सा हम सॉल्वेंट लेते हैं। उसके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, मोलरिटी पे, मोलरिटी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर इसको डबल कर देते हैं तो KF में क्या होगा, KF होगा अनचेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें सी जो आंसर वो लिखा हुआ है अनचेंज। अब दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कौन सा, इसमें कंसंट्रेशन के चार टर्म्स दिए गए हैं, कौन सा टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो पहला दिया है मोलरिटी, दूसरा दिया है मोल फ्रैक्शन, तीसरा दिया है वेट परसेंटेज और फोर्थ दिया है मोलरिटी। तो टेम्परेचर पे वो फैक्टर डिपेंड करता है जिसमें सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन क्या हो, लिक्विड फेज में हो, इसमें से कोई भी, या तो सॉल्वेंट हो या फिर सॉल्यूशन, अगर उसमें से अगर लिक्विड फेज में है तभी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस फार्मूले में जो पहला मोलरिटी है, तो मोलरिटी का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, और यहाँ वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं या ml में लेते हैं। तो ये वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस में है, लिक्विड फेज में है। तो कभी भी कोई भी कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट अगर लिक्विड फेज में होता है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर लिक्विड फेज में नहीं है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे बाकी ऑप्शंस में मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है, तो ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, और जो मोल होता है वो क्या होता है, मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो दोनों मास ही है, इसमें लिक्विड तो है नहीं, तो ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला है वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज भी दोनों का वेट ही लेते हैं, ऊपर सॉल्यूट का नीचे सॉल्यूशन का, ये भी डिपेंड नहीं करेगा। अगला है मोलरिटी, तो मोलरिटी में क्या करते हैं, मोलरिटी तो मोलरिटी में क्या होता है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आता है, नीचे क्या रहता है, सॉल्वेंट का मास होता है। तो यहाँ पर भी मास दिया है, ऊपर भी मास दिया हो, तो ये भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। जैसा कि आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है कि एक मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक मोलल, वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन, अगर वन मोलल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट है वो कितना है, वन मोल है। एक मोलल का मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम अगर सॉल्वेंट ले लेते हैं तो उसमें जो मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो कितना होंगे, एक मोल होंगे। और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर दिया गया है, क्योंकि ये है एक्वस सॉल्यूशन। तो इससे हमें, अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन का निकालना है, लिखते हैं N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। N2 क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और N1 क्या है, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 की वैल्यू तो यहाँ दी गई है, जो सॉल्यूट का नंबर मोल दिया, वन मोल दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया वन, यहाँ पे वन, और N1 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो N1 सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का हमें निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर मास डिवाइड बाई मोलर मास निकलते हैं, तो मास दिया है 1000 ग्राम, तो यहाँ लिख देते हैं 1000, और डिवाइड बाई वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, नीचे लिख देंगे 18, ये टोटल वैल्यू आ गया 55.5, यहाँ पर रख देंगे 55.5, तो 1 डिवाइड बाई 56.5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो होगा 0.0177,
अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 250 ml जो है यह है सोलूशन और 2 m कैपिटल m दिया हुआ है तो यह है मोलरिटी। मोलरिटी दिया गया है HNO3 है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो सबसे पहले इसका तो हमें निकालना है मास वेट कितना है, ठीक है। तो वेट निकालने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम इंटू 1000 अगर ये ml में है। अब यहाँ पे कर देते हैं, ये वैल्यू दे दिया है 2, नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हैं मास डिवाइड बाई मोलर मास, और HNO3 का जो मोलर मास होता है 63, तो मॉलिकुलर मास 63 हो गया इनटू वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है तो वॉल्यूम हो जाएगा 250 और यहाँ पे 1000, इससे ये कट गया आ गया 4, 2 से ये कट गया हो गया 2, तो ये हो गया इधर चला जाएगा तो मास इक्वल टू हो जाएगा 63 बाई डिवाइड बाई 2 इतना ग्राम। तो हमें तो ये मास मिल गया, इसको और कैलकुलेट करते हैं इतना ग्राम हो गया, ठीक है। तो 31.5 ग्राम आ गया 250 ml में 2 मोलर का। लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो कंसंट्रेशन है, जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो कितना लिया गया, 70% HNO3 लिया गया है, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितने पे, 100% पे हुआ है। जो कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ 100%, तो 100% जो कंसंट्रेशन में जो HNO3 का मास है वो है 31.5 ग्राम, और क्वेश्चन में क्या निकालना है, 70% अगर कंसंट्रेशन रहा तो वहाँ पे मास क्या होगा। अगर 70% है तो ये मास और इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 70% का मतलब जो सल्यूट का अमाउंट है वो कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो इसमें लिखेंगे 31.5 × 100 और डिवाइड बाई 70, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके आएगा 45, तो 45 ग्राम HNO3 लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन भी सेम वही थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था कि मोल फ्रैक्शन पूछ दिया था 1 molar एक्वस सोल्यूशन का। तो फिफ्थ क्वेश्चन सेम ही है कि मोल फ्रैक्शन पूछा है सल्यूट का, जिसमें 1 molar एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा अगर 1 molar एक्वस सोल्यूशन है। तीसरा ही क्वेश्चन है ये, तो होगा आंसर होगा 0.0177, सेम आंसर आ जाएगा इसका, और इसका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो जैसा कि सिक्स क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, लिखा हुआ है कि 25.3 ग्राम Na2CO3 दिया गया है, ठीक है, और इसको इसका सोलूशन बनाया जाता है, और सोलूशन जो है 250 ml का सोलूशन बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो अगर डिसोसिएट होगा तो ऐसा बना लेगा, ये सॉल्वेंट में जाता है और कम्प्लीट डिसोसिएट हुआ तो दो आयंस बनेंगे सोडियम का, एक आयंस बनेंगे कार्बोनेट के, ठीक है। तो अगर ये कम्प्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो इस समय पूछा हुआ है कि इसका और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो अगर इसका कंसंट्रेशन निकालना है तो इसका तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उससे हम इसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका ग्राम भी दे दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया गया है, और इसका मोलर मास भी दिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 106। तो तीन डेटा दिया गया, तो इसका हम सबसे पहले कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, मतलब क्या निकाल लेते हैं, मोलरिटी, इसकी हम मोलरिटी निकाल देंगे। तो इसका जब मोलरिटी निकालेंगे तो फार्मूले के हिसाब से निकाल देंगे, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ 25.3 और नीचे मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं 106, नीचे ही वॉल्यूम लिखते हैं 250 और 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ml में है। अब इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.955 molar। इसकी तो मोलरिटी निकल गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोडियम और कार्बोनेट आयंस की मोलरिटी क्या होगी, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो इस डेटा से, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ये हमें 1 mol लेते हैं, अगर ये 1 mol लेते हैं तो अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया तो ये जो बना कितना बना, 2 mol बना, और ये बनेगा वापस 1 mol ही बनेगा जितना ये है, ठीक है। तो अगर ये 1 mol है तो ये 1 mol, तो ये 2 mol बना और ये 1 mol बन गया। तो उसी हिसाब से अगर इसका कंसंट्रेशन इतना है, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन इतना है, तो सोडियम का जो कंसंट्रेशन होगा इसका दोगुना हो जाएगा। तो इसका अगर इतना है तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.955 × 2, और इसका कंसंट्रेशन इसके बराबर होगा तो 0.955 ये कंसंट्रेशन आ जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं
इसका आंसर आएगा 1.910 एम, इसका तो सेम इतना ही आना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी में सेम ये डेटा दिया गया, इसका कंसंट्रेशन इतना, इसका कंसंट्रेशन इतना। तो ये था सिक्स क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, तो सेवेंथ क्वेश्चन जो है मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है वन मोलर सोल्यूट के लिए, तो ये सेम वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट किया है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, सेम वही क्वेश्चन, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सातवां क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, इसका भी आंसर हो जाएगा बी, होगा 0.0177। अब आपको आठवां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आठवां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि 1 m और दिया है 2.5 लीटर, NaOH है पहला सोलूशन और दूसरा सोलूशन है 0.5 m और यह है 3 लीटर है NaOH ही, और दोनों को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मोलरिटी कैलकुलेट करना है कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है मिक्सिंग का। तो मिक्सिंग का फार्मूला होता है m1 v1 + m2 v2 = m और ब्रैकेट में होता है v1 + v2। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 प्लस m2 की वैल्यू 0.5, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 3 लीटर इक्वल टू, यही m रिजल्टेंट चाहिए और ब्रैकेट में ले जाएगा v1 + v2, तो 2.5 + 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2.5 + इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 = m और ये दोनों ऐड करने बाद 5.5। तो हमें जो m निकालना है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करने बाद हो गया 4 और डिवाइड बाई ये 5.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.73 m। तो इसका आंसर है ये सी, तो आठवें का आंसर हो जाएगा सी। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर इसमें मोलरिटी पूछा हुआ है HCl का, HCl की मोलरिटी कैलकुलेट करना है और डेटा में क्या दिया हुआ है, डेटा में दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी HCl जो सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी दिया है 1.17 ग्राम पर सीसी। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, अब मोल्स को लिख सकते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू ये वॉल्यूम हो गया, अब वॉल्यूम को अगर ml में है तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और जो डेंसिटी होता है डेंसिटी को भी लिख सकते हैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे डेंसिटी यही है तो ये मास हो गया और ये वॉल्यूम हो गया, तो टोटल इसकी वैल्यू यहाँ दी गई है। अब यहाँ पे ग्राम पर सीसी दिया है तो इसको ग्राम पर एमएल में बदलना पड़ेगा, तो 1 cc = 1 ml होता है, तो अगर इसको ग्राम पर एमएल में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 1.17 ग्राम पर एमएल, सेम यही वैल्यू हो जाएगी। अब यही वैल्यू यहाँ पुट करना हमें, तो मास डिवाइड वॉल्यूम ये हो गया डेंसिटी, तो डेंसिटी का फार्मूला लिख सकते हैं 1.17। अब मोलर मास निकलना है HCl का, तो HCl का अगर मोलर मास निकालना होगा तो हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 36.5 thousand, क्योंकि ये ml में दिया हुआ है तो ये हो गया 1000। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा मोलरिटी ऑफ HCl, ठीक है। तो इसका ये था नाइन्थ क्वेश्चन, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आंसर आएगा आप देख लेंगे। अब है दसवां क्वेश्चन, नंबर 10 दिया हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन इज इनकरेक्ट। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच ही लाई करती है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 0 से 1 के बीच होगा, दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन कि 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा, तीसरा दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसमें पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट इसमें हो जाएगा डी, डी में आंसर दिया है -2 से +2 के बीच होता है, तो ये गलत है क्योंकि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, आगे के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, 10 क्वेश्चन करके कराते हैं, 56 क्वेश्चन है, 4 से 5 लेक्चर में सारा कंप्लीट क्वेश्चन करा देंगे।